नमस्कार, बहुत स्वागत है दोस्तों। मामला मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर है। कमलनाथ ने अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों के पद के स्थायीकरण को लेकर एक बड़ा ऐलान, बड़ी गारंटी कर दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने वोटिंग से ठीक एक दो दिन पहले यह बड़ा ऐलान किया है कि अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों को हमारी सरकार आते ही हम उनके भविष्य को सुरक्षित कर देंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी। इनका ऑफिशियल बयान भी आपको यहां पर दिखाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वान कई सालों से, करीब 14-15 सालों से अपने पद के स्थायीकरण को लेकर सरकारों की ओर देख रहे हैं। अब हो सकता है कि उनका पद सुरक्षित हो। लीड जानकारी बताएंगे, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट अपडेट। अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण को लेकर प्रदेश की पुरानी सरकार ने तो उनको अधर पर लटकाए रखा, लेकिन जो आगामी सरकार वो किसी भी पार्टी की होगी बनेगी उससे उम्मीदें हैं। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बड़ा ऐलान किया गया है। कमलनाथ जिसको आप यहां पर आगामी समय में अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उनकी तरफ से अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों के लिए दिया गया है। अभी कुछ ही दिनों में आपने देखा होगा कि कांग्रेस के जो ज़्यादातर लोग हैं, मंत्री हैं, विधायक जो पूर्व हैं, उनके द्वारा लगातार अतिथि शिक्षकों को साधने की कवायद शुरू की गई है। इसी में यहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक ऑफिशियल ट्वीट देखेंगे जिसमें नियमित करने का स्पष्ट जिक्र किया गया है, वो भी पहली कैबिनेट में। यहां पर आप इसको ट्विटर में जा करके देख सकते हैं, कमलनाथ के ऑफिशियल ट्विटर पर यह मिलेगा। यहाँ पर कमलनाथ ने क्या कहा है कि मध्य प्रदेश में स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था को सतत और सुचारू रखने वाले अतिथि शिक्षकों का नाम यहाँ पर लिया गया है और साथ ही अतिथि विद्वानों की सेवाओं का सम्मान करते हुए उनका भविष्य सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, भविष्य सुरक्षित रखने के लिए कांग्रेस वचनबद्ध है। तो यहाँ पर यानी भविष्य सुरक्षित तभी होगा जब इनके पद का स्थायीकरण किया जाएगा, इनको हटाने संबंधी वो तमाम नियम खारिज कर दिए जाएंगे जो इनके लिए बनाए गए हैं, तब इनका पद स्थायी तो होगा। साथ ही आगे बताया हुआ है कि अतिथि शिक्षकों और विद्वानों के भविष्य के लिए सरल और हितकारी नीति तैयार करेंगे ताकि उन्हें नियमित सेवा में स्थान मिल सके। तो यहाँ पर देख सकते हैं नियमित सेवा की भी बात की गई है। ये बड़े महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ हैं उनके द्वारा किया गया है कि अगर मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनेगी तो अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों को भविष्य सुरक्षित किया जाएगा, नियमित सेवा में स्थान मिल सके और उनकी वर्षों की सेवाओं के साथ न्याय सुनिश्चित हो सके। कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी, नीचे यहां पर बताया हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये 14 नवंबर का ट्वीट है, ये 12:52 PM पर किया गया है दोपहर के। और यहाँ पर अतिथि शिक्षकों में खुशखबरी है कि उनके लिए यहाँ पर इस तरह के ट्वीट आ चुके हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अब फैसला उन्हीं को करना है कि उनको साथ किसका देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट यहाँ पर है और साथ ही नीचे इसके बाद कई ट्वीट हैं, खुशहाल युवा से खुशहाल मध्य प्रदेश का नवनिर्माण और मेरा लक्ष्य और इसे पूर्ण करने के लिए मैं वचनबद्ध, कांग्रेस सरकार, यहाँ पर देख सकते हैं और चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। साथ ही अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को यहाँ पर कहा गया है, पद स्थायीकरण को लेकर कहा गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट है क्योंकि अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वान लगातार यह कह रहे थे कि कांग्रेस सामने, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं कमलनाथ, वो सामने आकर अतिथि शिक्षक अतिथि विद्वानों के लिए कहें कि वह नियमितीकरण संबंधी यहाँ पर आदेश अतिथि शिक्षकों के लिए अगर सरकार बने
तो पहली कैबिनेट में पारित करेंगे, तो उसके जवाब में ये ट्वीट किया गया है। मुझे उम्मीद है जानकारी आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बिल्कुल फ्री में कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।